हाय फ्रेंड्स, आज हम सांची आए हैं। सांची मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। इसे ईंटों से बनाया गया था। स्तूप एक पवित्र बौद्ध स्थल होते हैं, जिन्हें चेत भी कहा जाता है। यहाँ मैंने बहुत एंजॉय किया फ्रेंड्स। इसका इस्तेमाल कुछ अवशेषों को रखने के लिए होता है। स्तूप में बुद्ध भगवान की आराधना की जाती है। यहाँ पे स्तूप की जानकारी दी गई है। स्तूप का आकार अर्धगोला आकार तीरे के जैसे होता है। कहा जाता है भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों को विश्व में फैलाकर स्तूप बना जाए।
के गाय दिहा के बारे में बता रहे थे। राजा किस काम का कि मुसीबत के समय अपनी प्रजा को छोड़ के चले गए। तो महाकवि ने क्या किया, बंदर ने प्रजा की जान बचाने के लिए पैर मारे बांस और सही को तान के एक पुल बना लिया, ब्रिज। कई मंकी लोग निकल रहे हैं, पश्चिम रोशन कर रहे हैं। हाँ। उन्हीं ग्रुप में उनका चचेरा भाई था कज्जन भाई, उसका नाम था देव दत्त। वो रखता था पुलिस जलिस, उसका मैं विचार आया कि अच्छा मोगन मारने का, ये मर जाएंगे तो उनके स्थान पर मैं बनूंगा उनके स्थान लीडर। ये सोच तो महादेव दत्त लगा जोरदार जम, तो महाकवि थे ना बंदर, उनके रीढ़ कटी टूट कर आके बंदर नीचे के लिए। तो राजा सब देख रहे थे, राजा पहुंचे बंदर के पास, राजा बैठे बगल मुकुटधारी, वो बंदर बैठा बगल में। तो बंदर है राजा दे रहा ज्ञान को उपदेश। तो राजा ने देखा एक छोटा सा मामूली सा बंदर इतने सी ज्ञान की वाणी, ये धर्म को उपदेश दे रहा, हो सकता है बहुत बड़ा महान आदमी, महान पुरुष बंदर रूप में। चलो राजा लेकर में और धूमधाम से करवाए उसका राज के सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार। स्टोरी नाम है महाकपि जाता, स्टोरियाँ जात का टेल। रात अशोक ने इसे बनाया। चौदी शताब्दी में यह निर्जन हो गया था। चिबी शासन ने ध्यान नहीं दिया। इसकी खोज ब्रिटिश अधिकारी जनरल तेरल ने 1818 में की। उन्होंने 1912 से 1919 तक सर जॉन मार्शल को कार्य सौंपा गया, इसको पुनः खड़ा किया। यह भारत में सभी स्तूपों से सबसे बड़ा है। इसकी ऊंचाई 21.64 मीटर है और 36.5 मीटर है। इसमें 4 तोरण द्वार है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से लेकर कई निर्माण की निकासी है। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने कभी दौरा नहीं किया। फिर भी यहाँ बौद्ध धर्म की उपासना की जाती है। पे इसको विश्व धरोहर माना गया। Thank you.
देखो फ्रेंड्स कितनी सुंदर नक्काशी है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।